गुड मॉर्निंग यूट्यूब, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू टिक टॉर्च असेंबली। तो आपको हम टिक टॉर्च यानी घटाओ का टॉर्च यानी टिक टॉर्च को मैं आपको असेंबली करके दिखाऊंगा और क्या क्या उसमें लगते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि टिक टॉर्च में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो गाइस, हम आपको असेंबली करके दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, कितना नंबर का सिरेमिक का पायलट बॉडी और क्या टॉर्च है, वो सारे चीज़ें मैं आपको असेंबली करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हम इसे असेंबली करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम अपना ये रबड़ जो फर्स्ट में लगता है इसका टॉर्च के आगे, और ये टॉर्च का बटन है, इससे अपना पावर आता है। तो हम लगाते हैं ये रबड़ फर्स्ट में लगाएंगे, रबड़ का गैस्केट इसे बोलते हैं। इस तरह इसको लगाएंगे, फिर बैकअप में भी रबड़ आएगा तो बैकअप में भी रबड़ लगाएंगे। इस तरह दो रबड़ लगाएंगे, यानी फर्स्ट में एक रबड़ लगाएंगे और सेकंड में रबड़ लगाएंगे। इसको गैस्केट बोलते हैं, रबड़ गैस्केट। तो इसे बोलते हैं कॉइलेड बॉडी। 3.2 का आएगा और 2.4 का आएगा। इसमें 3.2 का आप टेंडिशन लगा सकते हैं और 2.4 का टेंडिशन लगा सकते हैं। इसे हम असेंबली करेंगे, आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 3.2 लिखा है, 3.2 यानी 3 मिली, 2.4 यानी 2 मिली। तो इसको हम अभी असेंबली करके आपको दिखाते हैं। तो इसको कहाँ लगाना है, फ्रंट में। इस तरह टाइट करेंगे, टाइट हो जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कॉइलेट। गाइस, आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉइलेट। 3.2 का भी आता है और 2.4 का आता है। ओके गाइस, इसमें दो तरह का टंडीशन हम यूज कर सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे, तो इसे पीछे से डालना है, आप पीछे से डाल सकते हैं इसके अंदर में। ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, बैकअप। इसे बैकअप बोलते हैं गाइस, इसे बैकअप बोलते हैं। ओके, इसे हमें पीछे से यानी बैक साइड से हमें टाइट करना है। इस तरह टाइट करना है, हमने इस तरह टाइट कर दिया। टाइट हो जाने के बाद सब इसके अंदर क्या करेंगे, हम टंडीशन लगाएंगे। ये हमारा टंडीशन हो गया। इस तरह टंडीशन आप बना कर रखिएगा, जो देख सकते हैं आप 3.2 का आता है और 10 पीस आता है। ओके गाइस, 3.2 का आता है और 2.4 का भी आता है टंडीशन। ओके, तो हम इसको आगे से डालेंगे, यहाँ से हमारा जगह है, इसे डालेंगे। इधर से नहीं जा रहा है तो फिर पीछे से हम बैक को थोड़ा ढीला करेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसा आपको डाल लेंगे। तो गाइस, अब इस पर आपको कौन से सिरेमिक कप से मारना है, फर्स्ट क्या है, हम लगाते हैं 4 नंबर। आप देख सकते हैं इसको 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर आप डालेंगे इससे सामने से और उसको ऐसे टाइट करेंगे। इस तरह आप टाइट करेंगे और सामने से टंडीशन अपना, सामने से टंडीशन अपना जितना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। तो गाइस, और पिन पीछे से आप बैकअप को टाइट करेंगे। ये आपका हो गया फुल टाइट करके, सामने से और पीछे से टाइट कर लेंगे, आपका ये टंडीशन टाइट हो जाएगा। टंडीशन जितना आप चाहेंगे उतना आप रख सकते हैं और आपका सिरेमिक कप अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। 4 नंबर का सिरेमिक कप है मिलर का, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया टिक टॉर्च का असेंबली तैयार। अब इस तरह आप सिरेमिक कप कौन सा चेंज कर सकते हैं, हम सभी को चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये हमने 4 नंबर टाइट किया था, अब लगाते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये हमारा 5। सेम वैसे ही आपको टाइट करना है। गाइस, ये है 6 नंबर। सेम ऐसे ही आपको टाइट करना है। और गाइस, ये हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर का छोटा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, तो ये हमारे पास बड़ा है, तो आप इसको भी टाइट ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने सारे किए हैं। सेम ऐसे ही आपको टाइट करना है। ओ गाइस, ये आपका 7 नंबर सेम ऐसे ही टाइट करना है। बड़ा हो छोटा हो, वो साइज जो होता है पीछे का जो बैकअप होता है आपका,
ये जो पीछे का बैकअप होता है इसके अंदर बराबर जो साइज बना है उधर जाकर ये बराबर बैठता है। ये इसका नोजल चाहे बड़ा हो, इसका नोजल चाहे बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है। ये जो पीछे का बैकअप है वो जा करके इसके अंदर बराबर बैठता है। अभी लगाते हैं 8 नंबर। तो गाइस हमारा ये 8 नंबर है। इस तरह आप टिक टॉर्च को सेटिंग कर सकते हैं तो गाइस, और अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। इस तरह अपना टॉर्च को सेटिंग कर सकते हैं टिक टॉर्च को। ओके, तो आपका ये असेंबली इस तरह करना है और आपको पूरा रेडी हो गया है, आप मार सकते हैं। तो गाइस, तो गाइस ये हमारा रहा टिक टॉर्च का आज का सेटिंग, यानी असेंबली। ओनली असेंबली के लिए बताएं हम कि कैसे आपको असेंबली कर सकते हैं। ये हमारा बैकअप है, ये रबड़ है बैकअप का, और ये फ्रंट का रबर है, और ये हमारा सिरामिक कप है टेंडिशन, और ये हमारा टिक टॉर्च है। इसे मूव भी कर सकते हैं, मूविंग आता है, फ्लैशिंग आता है, कितना हार्ड आ सकता है। आप जिस डिग्री में लेना चाहे उस डिग्री में ले सकते हैं। आपको 90 डिग्री में लेना है या 45 डिग्री लेना है, आपको यहाँ पे मूविंग आता है। और गाइस ये मूविंग मूव कर सकते हैं, आप जिस मूविंग में आप मारना चाहें आप मूविंग कर सकते हैं। और ये आपका बटन है जिससे आपका पावर आता है। ओके गाइस, ये हमारा आज का ये सेटिंग का असेंबली जो आप टिक टॉर्च सेटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, आपको ओनली हम टिक टॉर्च की असेंबली के बारे में बताएं कि आपको असेंबली कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सिरेमिक कप टेंडिशन और फ्रंट रबर, बैकर रबर, बैकअप, और ये आपका टेंडिशन का जो मूव करने वाला और ये जो आपका पावर बटन, ये सारी चीज़ें हमने बताएं। तो इस तरह ओनली असेंबली के बारे में बताएं। आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।